इन्वेंशंस एक ऐसा चीज जिसने हमारे दुनिया को नया रूप दिया। आज हम ऐसे वक्त में हैं कि हम जहां भी देखे, जिस ओर भी देखे, किसी ना किसी के आविष्कार को देखते हैं। एक इन्वेंशन की वैल्यू तभी बड़ी होती है जब वो लोगों के काम आए। और आज मैं आपको भारत की एक इन्वेंटर की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने एक के बाद एक वैल्यूएबल इन्वेंशंस किए हैं और जिसने थ्री इडियट्स जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी को भी इंस्पायर किया। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक सर के बारे में, जिन्हें लोग थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगरू भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज उनके इन्वेंशंस और इनोवेशंस सिंपल तो होते हैं पर सबसे हटकर और अलग होते हैं। रिसेंटली सोनम सर के सोलर हीटेड टेंट वायरल हुए जो उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बनाया था। पर ये टेंट इतना खास क्यों है और ऐसा टेंट जो वो पहले भी बना चुके हैं अभी क्यों वायरल हुई? लद्दाख, सियाचेन और दूसरी ठंडे इलाकों की तापमान इतनी कम होती है कि वहाँ सोल्जर्स की जान को बस दुश्मनों से ही नहीं बल्कि ठंड से भी हर वक्त खतरा रहता है। सोल्जर्स को वहाँ ठंड से बचने के लिए स्पेशली हीटेड कंटेनर केबिन्स में रहना पड़ता है जिन्हें केरोसिन जलाकर हीट किया जाता है। सोनम सर ने इसके सॉल्यूशन में एक सोलर हीटेड टेंट बनाया जो टेंट के अंदर की टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर सकती है जब बाहर का टेम्परेचर -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि वो टेंट बहुत बड़ी है। कंटेनर केबिन्स जहां जवानों को रात गुजारना पड़ता था, वो केबिन्स इस टेंट के मुकाबले बहुत छोटे हैं और उन्हें हीट करने के लिए केरोसिन जलाया जाता है। सोनम सर की टेंट बड़ी तो है ही पर साथ में सोलर पावर्ड होने की वजह से जीरो एनर्जी कंजम्पशन और जीरो पॉल्यूशन करती है। और ये टेंट सोनम सर ने पहली बार नहीं बनाई है, ये टेंट उन्होंने पहले लद्दाख में रहने वाले नोमेड्स के लिए बनाया था। बट रिसेंटली गलवान वैली में हुई झड़प की वजह से भारत को अचानक बहुत सारे सोल्जर्स की पोस्टिंग वहां करनी पड़ी जहां पहले से कोई एकोमोडेशन फैसिलिटीज नहीं था और इतने सारे जवानों को ठंड से बचाना एक चैलेंज बन गया था। सोल्जर्स को गर्म रखने के लिए उन्हें बहुत सारे केरोसिन भी ले जाने पड़े जो फायर एक्सीडेंट्स की खतरे को भी हाई करती है। इन सब प्रॉब्लम्स को देख के सोनम सर ने अपने सोलर हीटेड टेंट को रिफाइन किया और भारतीय जवानों के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ऐसे एक टेंट के प्रोडक्शन में 5 लाख रुपए लगती है। बट द थिंग टू नोट इज जिस कंटेनर्स में जवान रहते हैं उन कंटेनर्स को बनाने में 9 से 10 लाख रुपए लगती है जिसमें जगह तो कम है ही पर उन्हें गर्म रखने के लिए केरोसिन भी जलाना पड़ता है। पर सोनम सर की ये टेंट कभी भी कोई भी कहीं भी लगा सकता है और एनर्जी कंजम्पशन ऑलमोस्ट जीरो है। बट दैट इज नॉट ऑल। 2013 में सोनम सर ने एक ग्लेशियर भी बना डाली। यस, यू हर्ड मी राइट, ग्लेशियर। ये साइंस फिक्शन जैसे दिखने वाला आइस टूपा भी सोनम सर ने 2013 में बनाया था जो एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। ये आइस टूपा सर्दियों के पानी को आइस के फॉर्म में स्टोर करती है जो समर में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे ही इस आइस टूपा ने बहुत सारे लोगों के पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक गरीब बचपन जहां उन्हें 9 साल की उम्र तक कोई फॉर्मल एजुकेशन ना मिलने से लेकर 400 पेटेंट्स अपने नाम करने तक, सोनम सर की लाइफ हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। वो बस एक इन्वेंटर, इनोवेटर और एजुकेशनल रिफॉर्मर ही नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हीरो भी है क्योंकि उनके हर एक इन्वेंशन ने लोगों की बस मदद करी। हेलो इंक फैमिली, हम यहाँ हमारे रियल लाइफ हीरोज की कहानियों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए यहाँ सब्सक्राइब कर लें।